वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लखनऊ में 100 जगह लगेंगे हेल्थ एटीएम। डायबिटीज, बीपी और डेंगू जैसी कई जांचें होंगी फ्री। कुछ मेडिकल जांच कराने के लिए अब सरकारी अस्पतालों और निजी पैथोलॉजी में भाग दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। ये जांचें आपके घर के आसपास ही हेल्थ एटीएम पर हो सकेंगी। इसमें 40 तरह की जांचें तो मुफ्त में या फिर नाम मात्र चार्ज पर होंगी। महापौर संयुक्ता भाटिया ने बताया कि शहरवासियों को 100 स्मार्ट हेल्थ एटीएम की सौगात मिलने जा रही है। महापौर ने स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक एससी सिंह के साथ बैठक कर नगर निगम के सभी जोन कार्यालयों और प्रमुख बाजारों में 100 हेल्थ एटीएम स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। ये हेल्थ एटीएम इसी माह के आखिरी सप्ताह तक चालू हो जाएंगे। 10 लाख युवाओं को मिलेगी व्यावसायिक ट्रेनिंग। प्रदेश सरकार कौशल विकास मिशन के तहत 5 वर्षों में 10 लाख युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देगी। प्रशिक्षण के बाद युवाओं की कार्यकुशलता बढ़ेगी, साथ ही रोजगार की बेहतर संभावनाएं उपलब्ध होंगी। प्रशिक्षण के बाद युवाओं की कार्यकुशलता बढ़ेगी और प्रदेश में बेहतर श्रम शक्ति उपलब्ध होगा। प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं में औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वरीयता दी जाएगी। सरकार अगले 5 वर्षों में विकासखंड स्तर तक कौशल प्रशिक्षण का विस्तार करेगी। जिला कौशल विकास योजना के अनुरूप नए कोर्सेज का विकास किया जाएगा। अगले 6 महीने में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत माध्यमिक और उच्चतर कक्षाओं के छात्रों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा रोकने को लागू होगा हाईटेक वायरलेस सिस्टम। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा होने की सूरत में सुरक्षा व चिकित्सा का रिस्पांस टाइम 3 मिनट और कम होगा। इसके लिए हाईटेक एडवांस्ड वायरलेस सिस्टम लगने जा रहा है। इसके कारण हादसे की जानकारी कंट्रोल रूम से वायरलेस के जरिए पुलिस थाने, एम्बुलेंस, क्रेन व निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक साथ पहुंच जाएगी। इससे अपेक्षाकृत कम समय में आपात सेवाएं हादसे स्थल पर उपलब्ध हो जाएंगी। अभी एक्सप्रेसवे पर हादसे की होने की सूरत में कंट्रोल रूम से अलग अलग सेवाओं के लिए सूचना अलग अलग भेजी जाती है। इस कारण जरूरी सेवाओं का रिस्पांस टाइम अपेक्षाकृत ज्यादा हो जाता है। लखनऊ से होगी सभी जिला अस्पतालों की निगरानी, नहीं हो सकेगी गड़बड़ी। प्रदेश के सभी जिला अस्पताल राज्य मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम से जुड़ेंगे। यहां से वहां की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे से साफ से लगाए जाएंगे कि ओपीडी काउंटर और दवा वितरण काउंटर हर हाल में उसकी इज्जत में रहे। ये निर्देश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर वेदव्रत सिंह को भेजे पत्र में दिए। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के द्वारा राजकीय अस्पतालों के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के संबंध में दिए गए निर्देशों पर तेजी से सुधार हो, सभी आज के अस्पतालों में स्वच्छ पेयजल की उचित व्यवस्था हो। जनकपुर अयोध्या के बीच उड़ान सेवा भेजा गया प्रस्ताव। नेपाल की विमानन कंपनी बुद्धा एयर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक वीरेंद्र बहादुर बसनेत की अगुवाई में अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने लोकभवन में अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल से मुलाकात कर जनकपुर और अयोध्या के बीच उड़ान सेवा शुरू करने के प्रस्ताव से संबंधित पत्र सौंपा। पत्र में बुद्धा एयर ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वाराणसी और काठमांडू के बीच साल 2018 में शुरू कराई गई सीधी उड़ान सेवा की वजह से बाबा विश्वनाथ और बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन पूजन के लिए आने वाले यात्रियों से काफी लाभ हुआ। इससे दोनों देशों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिला और दोनों देशों के रिश्ते और भी प्रगाढ़ हुए। लखनऊ में 26 मई को रोजगार मेले आ रही 30 कंपनियां। आईटीआई अलीगंज में 26 को एक बड़ा रोजगार मेला आयोजित होगा। इसकी खास बात यह है कि इसमें तकनीकी अभ्यर्थियों के साथ ही गैर तकनीकी अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं। इस मेले में 25 से 30 कंपनी शामिल होंगी व विभिन्न पदों पर करीब 1,500 अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय व राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 26 मई को आईटीआई अलीगंज परिसर में मेला लगेगा। सहायक निदेशक अरुण कुमार भारती ने बताया कि मेला सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। इसमें तकनीकी व गैर तकनीकी मिलाकर 25 से 30 कंपनी के शामिल होने की उम्मीद है। 16 मई को पीएम मोदी लखनऊ दौरा, प्रधानमंत्री के लिए बनेगा मिनी दफ्तर। प्रधानमंत्री आज 16 मई को लखनऊ आएंगे। कार्यक्रम स्थल पर उनके लिए एक मिनी दफ्तर बनाया जाएगा, यानी जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में रहेंगे मिनी पीएमओ कार्यकर्ता रहेगा। प्रधानमंत्री के लखनऊ आगमन के लिए व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज 16 मई के आगमन को देखते हुए डीएम अभिषेक प्रकाश ने उन मार्गों का निरीक्षण किया जहां से फ्लीट गुजरेगी। उनके साथ नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी भी थे। डीएम ने एयरपोर्ट और सभी गेस्ट हाउस में निर्बाध बिजली सप्लाई के निर्देश दिए। साथ ही नगर निगम से बिजली के खंभों पर तिरंगे रंगों की रोशनी वाली एलईडी लाइट्स लगाने का निर्देश दिया। योगी सरकार की नई पहल, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर सहित 13 शहरों में बनेंगे 26 सिटी फॉरेस्ट। योगी सरकार ने वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर सहित 13 शहरों में 26 नगर वन क्षेत्र विकसित करने की पहल की। सरकार ने इस पहल को अगले 6 महीने में अमली जामा पहनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया। मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि राज्य का हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए शुरू की गई इस पहल के दायरे में जिन 13 शहरों को चिन्हित किया गया उनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अलावा आगरा, फिरोजाबाद, झांसी, कानपुर नगर, कानपुर
देहात औरैया, हरदोई, हाथरस, इटावा, हरदोई, रायबरेली, मुरादाबाद और अमरोहा शामिल हैं। सुरक्षित निवेश की गारंटी उत्तर प्रदेश, पूरे देश में यूपी के कानून व्यवस्था नजीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुदृढ़ कानून व्यवस्था निवेश के लिए अनिवार्य शर्त है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश में नजीर के रूप में ली जा रही है। गत 5 वर्षों में इस दिशा में जो कदम उठाए गए उसके अपेक्षित परिणाम सामने आए। सुरक्षा का माहौल बना तो यूपी निवेशकों का पसंदीदा स्थान बन गया। बेहतर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में निवेश सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। यूपी में निवेशक भी सुरक्षित है और उनका पूंजी निवेश भी। सुरक्षा से निवेश होगा, निवेश से विकास होगा, लोगों को काम मिलेगा और सबके जीवन में खुशहाली आएगी। कई ट्रेन के जनरल कोच में अब बिना रिजर्वेशन हो सकेगा सफर। जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। आरक्षित जनरल कोच में बिना रिजर्वेशन सफर करने की एवज में अगले कुछ दिनों के बाद यात्रियों को जुर्माना नहीं देना होगा, क्योंकि उत्तर मध्य रेलवे जोन के प्रयागराज मंडल से गुजरने एवं शुरू होने वाली ऐसी कई ट्रेन के नाम जारी किए गए जिनमें अगले कुछ दिनों के दौरान जनरल कोच में बिना रिजर्वेशन यात्री सफर कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें सिर्फ साधारण श्रेणी का ही टिकट खरीदना होगा। दरअसल वर्ष 2020 में लगे लॉकडाउन के बाद जब ट्रेन का संचालन शुरू हुआ तो उनके जनरल कोच में बिना रिजर्वेशन सफर की मनाही हो गई। दूसरे दिन के सर्वे का काम पूरा, ज्ञानवापी के चप्पे चप्पे की फोटोग्राफी, आज फिर होगा सर्वेक्षण। अदालत के इस आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में नए सिरे से सर्वे किया जा रहा है। ज्ञानवापी में रविवार को दूसरे दिन का सर्वे हुआ। दोपहर 1 बजे के बाद एडवोकेट कमिश्नर व उनकी टीम और वादी प्रतिवादी पक्ष के लोग परिसर से बाहर निकले। कल भी सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया। वादी पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन और सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि सर्वे आज सोमवार को भी होगा। सर्वे में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। वही टीम के निकलने के बाद गौदोलिया मैदागिन मार्ग को खोला गया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि कमीशन की कार्यवाही शांतिपूर्वक माहौल में सुचारू रूप से चली। सीएम योगी ने गोरखपुर में विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास लोकार्पण, निवेशकों को दिए भूमि आवंटन पत्र। गोरखपुर में दिग्विजयनाथ पार्क में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क संपर्क मार्ग, बाढ़ सुरक्षा और शिक्षा आदि की 144 करोड़ रुपए की 100 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं 6 नए निवेशकों को 45.5 एकड़ भूमि आवंटन का प्रपत्र सौंपा। गीडा प्रशासन के मुताबिक इन निवेशकों के 100 करोड़ रुपए के निवेश से करीब 2700 नए रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा। गीडा में उद्योग लगाने की इच्छा जताने वाले कियान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड को 20 एकड़, तत्वा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड को 5.5 एकड़, सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, क्वार्टर्स ओपल वेयर प्राइवेट लिमिटेड, आदित्य मोटर प्राइवेट लिमिटेड और बुद्धा मेडिकल ट्रस्ट को 5.5 एकड़ भूमि आवंटन पत्र का वितरण मुख्यमंत्री योगी के हाथों हुआ। HSRP नहीं लगवाई तो देना होगा 5,000 का जुर्माना। जिन वाहन स्वामियों की गाड़ियों का अंतिम नंबर 0, 1, 2 और 3 है वो तुरंत हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा लिए, नहीं तो पकड़े जाने पर उन्हें 5,000 रुपए का बड़ा जुर्माना देना होगा। 15 मई के बाद ऐसे वाहनों का चालान और जुर्माना लिया जा सकता है। सभी वाहनों के अंतिम नंबरों के हिसाब से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाई जाना अनिवार्य की गई। इसके लिए नंबरवार तिथि तय की गई थी। डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज में अब नहीं होगा दर्द। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में डायबिटिक रेटिनोपैथी के मरीजों के इलाज में राहत की खबर है। इन मरीजों के इलाज में आंखों में लगाए जाने वाले इंजेक्शन में अब उन्हें दर्द नहीं होगा। KGMU के नेत्र रोग विभाग में हुए शोध में इसके इलाज की नई तकनीक खोजी गई है। डायबिटीज हमारे देश में एक आम बीमारी बन चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में 2030 तक डायबिटीज से 9,29,00,000 लोग ग्रसित हो चुके हैं। इस बीमारी से 5 या 10 वर्षों की अवधि तक ग्रसित होने पर मरीज में डायबिटीज से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं बढ़ने लगती हैं। लखनऊ नगर निगम का बड़ा फैसला, 225 कर्मचारियों की जिम्मेदारी बदलेगी। आने वाले कुछ समय में नगर निगम की कुर्सियों पर नए चेहरे दिखाई देंगे। 10 से 15 साल से एक ही कुर्सी पर जमे कर्मचारियों को हटाया जाना है। नगर निगम ने पहले से ही ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार कर ली थी, लेकिन अब मुख्य सचिव का आदेश जारी होने के बाद से नगर निगम ने तेजी दिखा दी है। माना जा रहा है कि बुधवार को दफ्तर खुलने के साथ ही कुर्सियों में बदलाव हो सकता है। इसमें लिपिकीय संवर्ग के साथ ही लेखा लिपिक और लेखाकार भी शामिल हैं। अभी कुछ दिन पहले ही नगर निगम ने 3 साल से एक जोन में तैनात राजस्व निरीक्षकों को हटाया था। बाकी में एक और टूट, नरेश टिकैत बोले कार्रवाई के डर से बनाया अलग संगठन। उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन एक बार फिर से बिखर गई। किसानों के हित के लिए संघर्ष करने के लिए बनाई गई भारतीय किसान यूनियन, इसके संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर एक और टूट हो गई। लखनऊ में रविवार को भारतीय किसान यूनियन संगठन की घोषणा हुई। इस पर भाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत का कहना है कि किसानों के आंदोलन के दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ लोगों ने किसानों के साथ विश्वासघात किया था। ऐसे लोगों के खिलाफ जांच की जा रही थी। इस जांच की भनक उन्हें लग गई और उन्होंने दूसरा संगठन बना लिया। समिट बिलिंग में बार खुलने का समय घटेगा।
विभूतिखंड स्थित समिट बिल्डिंग में कई बार हैं जहां पार्टी के दौरान झगड़े की घटनाएं हुई। इसे देखते हुए बार खुलने का समय 2 घंटे कम किए जाने के लिए जिला प्रशासन को पत्र भेजा गया है। एडीसीपी पूर्वी से कासिम आब्दी के मुताबिक रात 2 बजे तक बार खोलने की स्वीकृति पूर्व में दी गई थी, लेकिन हाल की घटनाओं को देखते हुए रात 12 बजे तक ही बार खोलने की अनुमति दिए जाने के संबंध में डीसीपी पूर्वी की तरफ से जिला प्रशासन को पत्र भेजा गया है। उन्होंने इसके साथ ही एक चौकी का भी निर्माण कराया। उन्होंने बताया कि समिट बिल्डिंग की 13वीं और 15वीं मंजिल पर अधिकांश बार खुले हुए हैं। 5 नगर निगम और 2 पालिका परिषदों को लेकर यूपी सरकार का बड़ा प्लान। यूपी सरकार बेहतर सुविधा देने के लिए नगर निगमों में 5 थीम पार्क देने जा रही है। नगर पालिका परिषद में 2 और नगर पंचायतों में 1-1 इस तरह के पार्क बनाए जाएंगे। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। इसके लिए आज 16 से 25 मई तक अभियान चलाया जाएगा। बड़े पार्कों में किड जोन और ओपन जिम की व्यवस्था की जाएगी। पार्कों में पौधारोपण व लैंड स्केपिंग के लिए विशेषज्ञों की सहायता ली जाएगी। विकसित अर्धविकसित व अविकसित पार्कों को चिन्हित कर उनकी जियो मैपिंग कराई जाएगी। पार्क बनाने के लिए निकाय प्रबंधन की रिक्त भूमि जैसे बंजर, चारागाह, नवीन, परित और राजकीय आस्थान को आरक्षित किया जाएगा। कासगंज में अब इन किसानों को नहीं मिलेगी सम्मान निधि, सत्यापन में जुटी है टीम। कासगंज में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 2.12 लाख किसान लाभ ले रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में लाभार्थियों का सत्यापन में टीम जुटी है। सत्यापन में अपात्र पाए जाने वाले लाभार्थी का सूची से नाम हटा दिया जाएगा, जबकि जो नए पात्र पाए जाएंगे उनकी सूची शासन को भेजी जाएगी। ये सत्यापन 30 जून तक करना है। लाभार्थियों का सत्यापन ग्राम पंचायत स्तर पर सोशल ऑडिट के माध्यम से किया जाएगा। ग्राम पंचायत वार समय सारणी बनाई गई है। 30 जून तक अलग अलग टीम्स ग्राम पंचायतों में पहुंचकर सत्यापन करेंगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन की निगरानी के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित की गई है। अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक धार्मिक स्थलों के दर्शन कराएगी ये ट्रेन, आगरा में भी रुकेगी। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम की ओर से पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन 21 जून से शुरू होगी। ये रामायण सर्किट में अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े स्थलों का दर्शन कराएगी। यात्रा 18 दिवसीय होगी। ये ट्रेन जाने में 21 जून को ही फिरोजाबाद के टूंडला स्टेशन पर रुकेगी। वहीं लौटते वक्त इसका ठहराव आगरा में होगा। ई श्रम कार्ड से मिलेगा कई सरकारी योजनाओं का लाभ और 2 लाख का मुफ्त बीमा। सरकार की ओर से किसानों सहित मजदूरों और कामगारों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में से एक योजना जो ऐसे कामगारों के लिए चलाई गई है जो असंगठित क्षेत्र में जुड़े हैं, यानी ऐसे कामगार जिनका डेटा सरकार के पास नहीं है। इन श्रमिक कामगारों का डेटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम कार्ड योजना शुरू की गई, लेकिन बाद में ई श्रम कार्ड को कई योजनाओं से जोड़ा गया। ई श्रम कार्ड बनवाने पर आपको सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। ये निःशुल्क होता है। इस बीमा कवर को लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार का प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होता। यदि हादसे में श्रमिक या कामगार मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। पीएम मोदी आज सीएम योगी के साथ करेंगे डिनर। 2024 के चुनाव के लिए बनाएंगे रणनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी की लोकप्रियता देश के साथ साथ विदेशों में भी है। चुनावी मंच पर तो योगी मोदी की जोड़ी का असर दिखता ही है और अब सरकार और सुशासन के स्तर पर भी ये केमिस्ट्री और मजबूत करने की तैयारी है। इसी कड़ी में पीएम मोदी 16 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 5 कालिदास मार्ग पर डिनर करेंगे और सुशासन का मंत्र देंगे। इस मुलाकात को सीएम योगी की राह सुगम बनाने की ओर एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी 16 को ही बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल के लुम्बिनी गार्डन में आयोजित एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने वाले हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में फिर होगा बंपर बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से अच्छी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को एक बार फिर से केंद्र सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार उनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में लगभग 4% का इजाफा कर सकती है। ऐसे में अभी 34% डीए और डीआर का लाभ उठा रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% हो जाएगा। सरकार दे रही है 5 लाख रुपए तक सब्सिडी। खेती के लिए ड्रोन खरीदने पर मिलेगा योजना का लाभ। सरकार कृषि ड्रोन खरीद कर किसानों को 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी। ऐसे में सरकार किसानों को सब्सिडी देगी। केंद्र सरकार आधुनिक कृषि उपकरणों का अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयास कर रही है ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके। नतीजतन केंद्र सरकार ने ड्रोन तकनीक विकसित करने के लिए धन की घोषणा की। सरकार ड्रोन की खरीद के लिए किसानों को 50% या 5 लाख सब्सिडी प्रदान करेगी। 50% अनुदान दिया जाएगा। ये जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के हवाले से दी गई। सीएम योगी का बड़ा फैसला, इस योजना के जरिए अनाथ बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाएगी सरकार। शादी पर देगी 1,01,000। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के जरिए अनाथ बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। योजना के तहत बनाई जा रही MIS पोर्टल की जून में शुरुआत होगी। योजना के तहत 11 से 18 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए उनको अटल आवासीय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा, जहां उन्हें 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। योजना के तहत प्रदेश सरकार अनाथ बालिकाओं के शादी योग्य होने पर शादी के लिए 1,01,000 की राशि भी देगी।
तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।